आगे वेंचु, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुर्गा ए कुकड़ कू के बारे में, AKA KRK भाग भोसड़ी के। अब यार टॉपिक कुछ ऐसा है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इसे सह पाना, पर कोई बात नहीं यार, एक जगह अपनी गांड टिकाओ और चुपचाप देख डालो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, रनवे 34 यानी कि पब्लिक रन अवे दूर दूर। कोई सेंस है इस बात की? एक फ्लाइट है जो दुबई से कोचीन जाने वाली है, उसको उड़ाने के लिए दो पायलट हैं, एक अजय देवगन जो पान मसाला से जुबा केसरी करते हैं। ना, जुबा केसरी वो पान मसाला से नहीं, मुंह से करता है। और अगर उसने तुझे अपने बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हुए देख लिया ना तो बहुत पहुंची हुई चीज है वो। जरा रात को उसके रूम से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो मीटू करता घूमेगा बाद में, समझा ना। इसी दौरान महालुक्खा अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती को भी फ्लाइट में दिखाया गया है। लुक्खा भोसड़ी के, उसके जैसा लुक्खा अगर तेरे घर में पैदा हो गया ना तो तेरी सात पुश्तें बैठ के खाएंगी। अजय देवगन ने अच्छी तरह से जलालत की है, उसका गुरूर तोड़ा है कि बेटा तेरी ये औकात है, तू फिल्म में सिर्फ एक सीन कर सकता है। बोल भी कौन रहा है जिसे खुद की देशद्रोही खुद के ही यूट्यूब चैनल पे डालनी पड़ी, क्योंकि हमारे देखने से पहले इस आदमी ने खुद ही इसकी मूवी को 20-25 बार देख लिया था, इसीलिए पब्लिक को इसने वार्न भी किया। उस थिएटर से दूर भाग जाओ जिस थिएटर पर ये फिल्म लगी हो। फिल्म में कुछ हो ना हो लेकिन लड़कियां खूब हैं। तो तुझे चाहिए भी तो यही था साले ठरकी। ए भाई, हमें पता है कि वो फुल बकचोद है, लेकिन तू उसे ठरकी कैसे कह सकता है? बताऊं अभी? लो फिर। मजा नहीं आ रहा है। And his name is John C. वाह, क्या सीन है। तकरीबन 6 लड़कियां हैं। कहने का मतलब ये है सेट पर माहौल बहुत बढ़िया था, किसी का ध्यान शूटिंग पे तो होता नहीं है, सब मौज मस्ती करने पर लगे होते हैं और मौज मस्ती करते करते फिल्म बना देते हैं। बेटा यही रीजन है कि तुझे फिल्म में क्यों नहीं मिलती, मोस्टली हर मूवी में लड़कियां होती ही होती हैं। अगर इसे सेट पे बिठा दिया तो इसका तो दिल मचल पड़ेगा, अंदर की ज्वाला मुंह से बाहर आ जाएगी। अरे भैंचो टकला हो जाएगा, जॉनी सीन्स बन जाएगा भोसड़ी का। अजय का डायरेक्शन वैसा ही है जैसा कि उनको आता है, वो पान पराग से जुबा केसरी करते हैं तो उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। उनको एक्टिंग भी आती है, उनको राइटिंग भी आती है, उनको डायरेक्शन भी आता है, जबकि हकीकत यह है कि उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने से पहले ना इसने अपने पूरे करियर, मतलब इसके हिसाब से जो इसका करियर है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सब टट्टी है, खैर इसके हिसाब से जो इसका करियर है उसे पूरी तरह से खोल के देखा होगा, इसलिए जो ये खुद था वही दूसरों को समझ रहा है। भूल गए क्या? आज मैं जिस प्राणी की बात करने जा रहा हूँ वो एक एक्टर स्लैश प्रोड्यूसर स्लैश क्रिटिक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मतलब तुम लोगों ने तो हद ही कर दी यार। इससे पिछली वीडियो पे मैंने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर करवा दो, और चलो 100 नहीं पर 97, भाई 97 पे आ गए हम। और पता है अब मैं ना आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ कि इस वीडियो के आने के बाद तुम 100 या 100 से भी ज्यादा करवा दोगे। चलो इस बार का टारगेट रखता हूँ 20 लाइक और 110 सब्सक्राइबर का, और जैसा कि पहले भी कहा था शेयर करने में नो कंजूसी। चलो अब मौज करो, मैं भी जाता हूँ, साला स्कूल वालों ने गांड मार रखी है। चंपा ओके तन्नारे ताने ताने तन्नारे ताने ताने रे तन्नारे ताने ताने तन्नारे ताने नारे रे ब्रो ये जो ब्रो और रे सिनेमा के राजा भोसड़ी के।